हमारे लाखों कश्मीरी पिछले 110 दिनों से जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनको घरों में कैद कर दिया गया है, हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करेंगे? जहां पे महाराष्ट्र में नंगा नाच नाचा जा रहा है, जहां पे गवर्नर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट तक जवाबदेह है, तो हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से सेलिब्रेट करेंगे? जय भीम, जय मूल निवासी, जय हिंद, जय भारत। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे एक सेलिब्रेशन के लिए हम लोग आए हैं और मुझे लगता है कि सेफ कॉन्स्टिट्यूशन डे का जो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, उसकी बातें करनी चाहिए। भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को हैंडओवर किया था और 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जेल जाने से पहले मैं भी नहीं जानता था कि मेरे राइट्स क्या हैं। पुलिस से जब आप पुलिस आपको बदतमीजी करती है, पकड़ लेती है, तो आप क्या कह सकते हो और आपकी क्या मांग सकते हो? मुझे जब पकड़ा था तो 24 घंटे तक उन्होंने एक गेस्ट हाउस में रख के टॉर्चर करते रहे। बीआरडी के बारे में मत बोलना, योगी जी के बारे में मत बोलना। पता ही नहीं था कि अपना वकील मांग सकता हूँ। पता ही नहीं था कि मुझे बकरीद के दिन पकड़ा था और मैं नमाज के लिए बार बार कहता रहा कि बकरीद की नमाज तो पढ़ लेने दो, और पता ही नहीं था कि जिद कर सकता हूँ कि मैं पढ़ूंगा। उन्होंने कहा नहीं पढ़ना है, रहने दीजिए, हमने भी जिद नहीं की। पर ये राइट्स हैं, राइट्स दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मौलिक अधिकारों का दस्तावेज है। हजारों भाषाएं, लाखों विधान है, जो सबको जोड़ता है वही संविधान है। बट राइट नाउ व्हाट आई से, आई हैव ऑलरेडी सेड कि इंडिया इज लैकिंग यू नो इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आज हम किस तरफ आ गए हैं कि इंसान जो है इंसान से नफरत करने लगा है। जैसे अल्फा मैम ने कहा है कि चार जो स्तंभ थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और इंसाफ। इंसाफ कहाँ है? ये चारों कहाँ है? आज हर हिंदुस्तानी चिल्ला के पूछ रहा है कहाँ है ये चारों। जिस सात राइट्स की बात की है, आई विल टेल यू 7 राइट्स। राइट्स टू आस्क, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, बोलने का अधिकार है, राइट टू लिव योर लाइफ योर वे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्शिप योर गॉड, अपने अल्लाह को अपने तरीके से मानने का अधिकार है हमें। चलो डिस्कस करते हैं इसी 7 राइट्स पे आज कॉन्स्टिट्यूशन डे पे। पहला है राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, बोलने का अधिकार दिया गया है। जब बोलोगे बंद कर दिया जाएगा। लिखो मत, बोलो मत, सुनो मत, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। अली बाबा काका वाणी को मेरे ख्याल से
मेरे बारे में वो लिखता था बेचारा, कुछ ज्यादा लिखता है, पर अभी लखनऊ में मिला था एक फेसबुक पे पोस्ट की वजह से उसको जेल भेज दिया गया। और फिर जज ने फिर कहा कि नहीं, उसको ऐसी धाराएं लगी हैं कि उसको इस पुलिस स्टेशन से उसको जमानत मिल जानी चाहिए थी। फिर भी जज ने कहा नहीं नहीं, इसको ले जाइए दिल्ली, इसके रूम पे तलाशी दीजिए, इसके लैपटॉप में शायद कुछ मिल जाए। एक मिड डे मील की स्कीम का जो है, वहां पे दाल और नमक खिलाया जा रहा था, मतलब रोटी और नमक खिलाया जा रहा था, उसको एक पत्रकार ने दिखा दिया तो जेल भेज दिया गया। आपके अपने ओखला से प्रशांत साहब को उठा के लेके गई थी पुलिस, जब योगी जी की अब कहीं पता ही शादी की बात की गई। एनीवे, आपको याद हो कि अभी 26 सितंबर को योगी जी के जो कमेटी थी, जिसने कहा कि हाँ उस रात 70 बच्चों की मौतें हुई थी, हाँ उस रात डॉक्टर कफील 500 सिलेंडर लेके आए थे, हाँ उस रात डॉक्टर कफील छुट्टी पे ना होने के बावजूद वहां पे उस रात डटे रहे, हाँ उस रात ऑक्सीजन की कमी थी, हाँ उस रात डॉक्टर कफील ने जो है हर निर्दोष जान बचाने की कोशिश की। डॉक्टर कफील सबसे जूनियर डॉक्टर थे, पर उसी इंक्वायरी कमेटी ने यह नहीं बताया कि क्यों ऑक्सीजन कमी थी, क्यों बच्चे मरे और क्यों डॉक्टर कफील को एक साल जेल रखा। बहरहाल जब इस इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई तो अब योगी जी को लगा अरे अब इसको कैसे, इसका सस्पेंशन तो वापस लेना पड़ेगा, तो इन्होंने नया इल्जाम लगाया, तीन नए चार्जे। पूरी कैबिनेट 3 अक्टूबर को 2019 को लखनऊ में पूरी कैबिनेट के सेक्रेटरी ने बैठ के नया एक कहते साजिश लड़ी, राजनीतिक साजिश, और बनाया कि डॉक्टर कफील सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं। तो मैंने कहा कि इस जूम के दौर में जुबा खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। सोचते हैं कि इन सब इंजामों से डॉक्टर कफील डर जाएंगे और बीआरडी की बात नहीं करेंगे। 9 महीने तक कभी कभी पखाने के पास, टॉयलेट के पास बंद कर देते थे, 12-12 घंटे की सांस नहीं ले पाता था, घर वालों से मिलने नहीं देते थे, घर के हर सामान बेच दिए। एक वक्त आ गया कि बीवी के अम्मी जान के जेवर गिरवी रखने पड़े, 100-100 रुपए के लिए मोहताज हो गए। पर नहीं, हमें झुकना आता ही नहीं है यार। चलो बात कर लेते हैं, सेकंड तो हो गई फ्रीडम ऑफ स्पीच की। द सेकंड राइट टू गिवन टू अस इज राइट टू लिव आवर लाइफ आवर वे। पर नहीं, आज ये बात की जाती है कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है। योगी जी एक अलग पुलिस बना देते हैं। हाँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ योगी जी बोलता हूँ, मेरे साथ रहते थे ना वो गोरखपुर में। मोरल पुलिसिंग हो रही है, लव जिहाद के किस्से बना के लोगों को उलझाया जा रहा है। एक तरह से सिर्फ परेशान करने की कोशिश होती है। द थर्ड राइट गिवन टू अस इज राइट टू वर्शिप आवर गॉड आवर वे। मैं अपने अल्लाह को, अपने भगवान को, अपने जीसस को कैसे पूछता हूं, ये मेरी मर्जी है यार। आई बिलीव इन अल्लाह, दैट्स माई पर्सनल चॉइस। आई डोंट डिस्क्रिमिनेट एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ समबडी एल्स बिलीव। तो क्यों ये राइट दिया गया था हमें कि तुम किसी भी भगवान, किसी भी अल्लाह, किसी भी दर पे जाके पूजा कर सकते हो। पर नहीं, आज क्या, बाबा साहब ने बहुत कोशिश की थी कि धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए, पर धर्म और राजनीति को एक मिक्स कर दिया गया है। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।